हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी पढ़े लिखे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सेल में मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और एवरेज निकालना सिखाया था। इस लेक्चर में हम इफ और एंड की मदद से रिजल्ट, ग्रेड और डिवीजन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मार्कशीट बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के रैंडम मार्क्स फिल कर लेते हैं। रैंडम मार्क्स फिल करने के लिए हम इक्वल टू रैंड बिटवीन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर मुझे रेंज सेलेक्ट करना है। कह रहे ये बॉटम से टॉप तक के नंबर लो जिसके बीच में, जिसके बिटवीन में आपको नंबर चाहिए। तो मैंने 20 से 99 ले लिया है। एंटर करेंगे, ये हमारा 74 आ गया कोई रैंडम नंबर। ये मैंने स्क्वायर पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दिया मैथ तक, नंबर फिल हो गया। फिर अब मैं अभी इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सब फिल हो गया। अब क्या है कि ये नंबर ना चेंज होता रहता है। मान लो मैंने यहाँ पे 67 प्रेस करा और ये चेंज हो गया सारे नंबर। कुछ भी आप प्रेस करोगे 45 नंबर चेंज हो जाता है। तो ये नंबर चेंज ना हो, स्टेबल रहे, इसके लिए हमें फिर से सेलेक्ट करना होगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऐसे, फिर हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, फ्री कॉपी हो जाता है। उसके बाद हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, फिर ई, फिर छोड़ देंगे, फिर एस प्रेस करके छोड़ देंगे, फिर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। फिर हम वी प्रेस करेंगे, या तो एंटर करो आप या ओके पे जाके क्लिक कर दो, और ये हमारा अब ये फिक्स हो गया ये इसकी वैल्यू। और आप कुछ भी नंबर रखो 7, 8, बस आप जिसको चेंज करना चाहते हो वही चेंज होगा और सारे नंबर चेंज नहीं होगा। और अब हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट प्लस इक्वल टू एंटर कर देंगे, और एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय फोर सब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमारा ये परसेंटेज भी निकल के आ गया। हम इसको डबल क्लिक करके फिल कर लेते हैं सबके लिए। तो आज हम रिजल्ट निकालने के लिए ये चार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इफ, फिर इफ के साथ एंड, उसके साथ फिर इफ के साथ, और फिर इफ के साथ इफ। ये चार चीज़ों का ऐसे इस्तेमाल करके हम रिजल्ट निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे और डिवीजन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इफ का इस्तेमाल करके रिजल्ट निकालते हैं। इफ एक फंक्शन है, और एक्सेल में फंक्शन हो या फॉर्मूला, हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ये लिखा आ रहा है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ही कंडीशन होती है हमारी। अब मैं ना कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर परसेंटेज हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 आता है, 33% से ग्रेटर देन या इक्वल टू आता है, तो हम कहते हैं कि वो पास होगा। मैंने ये कंडीशन दे दिया है, तो कंडीशन के बाद मुझे देना है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर ये वैल्यू सच है कि हाँ ये फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को, तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो आप क्या कहोगे, फिर उस टाइम क्या बताना चाहोगे। तो मैंने बोला कि वो पास है, तो मैंने यहाँ पे पास दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो क्या, तो फिर वो मैंने लिख दिया कि वो फेल होगा, फिर वो फेल माना जाएगा। तो मैंने इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया है। अगर यहाँ पे नंबर होता, कोई नंबर मैंने अगर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डालता कुछ, तो यहाँ पे मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नंबर में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं। मैं एंटर प्रेस करूँगा और ये पास लिखा आया, क्योंकि ये 67% लाया है, 33% से ज़्यादा है, तो ये पास है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा तो ये फेल है,
ये भी फेल हैं क्योंकि इनके 28% है, इनके भी 28% है, और ये 30% है इनके, तो ये भी फेल हैं, और ये 31% है, तो ये भी फेल हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इफ के मदद से एक कंडीशन देते हैं, तो हमने देखा कि इफ का इस्तेमाल करके हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होता है तो हमने जो बोला है वो रिजल्ट देता है, अगर नहीं फुलफिल होता है तो दूसरा कोई रिजल्ट देता है। इससे हमारे पास सिर्फ दो रिजल्ट आता है। इफ हमें वो सिनेरियो में लाके खड़ा करता है जहाँ पे आपको या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है, दोनों में से कोई एक आंसर तो होगा, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई और आंसर है। अब हम इफ और एंड का इस्तेमाल करेंगे। इफ और एंड वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे मान लो आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो और वहाँ पे आपको बोलते हैं आधार कार्ड चाहिए आपका, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए और 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें देना ज़रूरी है, मतलब तीनों चीज़ें आपको बताएं कि नेसेसरी है, अगर आप इनमें से कोई एक भी चीज़ देते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एंड में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, जैसे फिजिक्स में आपको 67 है, इसमें 33 से ज़्यादा लाना ज़रूरी था, सब में 33 से लाना ज़रूरी है तभी आप पास हो, यहाँ पे 25 आया है, तो अगर अब हम इफ और एंड का इस्तेमाल करके निकालेंगे तो ये फेल लिखा आएगा। देखते हैं कैसे। इसके लिए हम इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और क्योंकि हमने सिर्फ एक लिखा है हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिकल टेस्ट लिखा है, हम इसमें एंड का भी इस्तेमाल करेंगे, एंड करके हम ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे कह रहे कि लॉजिकल टेस्ट आप जितना मर्जी देना चाहते हो उतना दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे हमने कहा कि फिजिक्स में नंबर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 आता है फिर सेम चीज़ हमारे केमिस्ट्री में ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 आता है, फिर तीसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे हम। लॉजिकल टेस्ट अलग अलग करने के लिए हमें बस यहाँ से कॉमा से सेपरेट करना होता है और आप दूसरे लॉजिकल टेस्ट पे चले जाते हो, फिर हम तीसरा कंडीशन दे रहे हैं कि बायोलॉजी में भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो, और फोर्थ टेस्ट भी हम मैथ में बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो, और ये हमने कंडीशन दे दिया है, हमने फिर इसकी ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, कॉमा दे के सेपरेट कर देंगे। अब ये कह रहे कि आपने कंडीशन दे दिया है और आप अगर आपकी ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो जो वैल्यू ट्रू होगी, अगर फुलफिल करता है तो जो वैल्यू ट्रू है आप वो बताएं तो क्या होगा अगर फुलफिल करता है, तो वो मैंने बोला कि वो पास है, अगर सम में 33% से ज़्यादा आता है तो वो पास है, अगर नहीं आता है फिर अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर आपकी जो कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं करता है तो क्या होगा, मैंने बोला तो वो फेल होगा। सबको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। अगर ये नंबर होता, मैंने तो यहाँ पे लेटर लिखा है, अगर ये नंबर होता तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखने की जरूरत नहीं थी, और ये लेटर है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना ज़रूरी है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये कह रहे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करा है, तो ये कह रहे कि क्या मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, तो मैंने कहा ओके, और ये हमारा रिजल्ट दे दिया, क्योंकि ये ब्रैकेट खुद ब खुद क्लोज कर लेता है अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आ गया, ये पास हो सकता था, बस इसके मैथ में आए हैं 25 इसलिए ये फेल है, अगर मैं मैथ में इसके चेंज कर देता हूँ, मैंने 90 कर दिया तो अब ये देखो ये पास हो गया। तो इस तरह से हम इफ और एंड का इस्तेमाल करेंगे और इस इफ और एंड का इस्तेमाल करके रिजल्ट निकालते हैं। अब हम सीखेंगे इफ और ऑड का इस्तेमाल करना। इफ और ऑड का इस्तेमाल हम मान लो कि
हम जा रहे हैं अब कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन लेने, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसने भी बोला कि आप आधार कार्ड दे दो या मार्कशीट दे दो 10th क्लास की या 12th क्लास की। तो वहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी नहीं था कि आप तीनों चीज़ें ही दो, कोई एक चीज़ दे दो आप और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वहाँ पे और क्या कंडीशन हो गया कि आपको कोई भी एक दो, कोई भी एक, मैंडेटरी नहीं है सारे, कोई एक देना ज़रूरी है बस। तो वहाँ पे और का इस्तेमाल होता है। तो और के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इक्वल टू एफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसमें भी आप बहुत सारे लॉजिकल टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ इफ में हम दो ही कंडीशन देते थे, एक ही लॉजिकल टेस्ट देते थे जिसमें दो कंडीशन होता था, या तो ट्रू है या फॉल्स है तो आंसर आता था। यहाँ पे हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दे पा रहे हैं। तो मैंने बोला फिजिक्स में अगर हमारा 33 से कम आता है, और मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट दे दे कंडीशन, अगर केमिस्ट्री में हमारा 33 से कम आता है, फिर मैंने तीसरा लॉजिकल टेस्ट दिया कि हमारा बायोलॉजी में 33 से कम आता है, फिर मैंने बायोलॉजी के लिए कंडीशन दिया कि बायोलॉजी में अगर हमारा 33 से कम आता है, और फिर सिमिलरली हमने ये जो लिखा आया था ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट नहीं करा है, तभी हम नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट के लिए मूव ऑन होंगे। कॉमा से हमें सेपरेट करना ज़रूरी होता है नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट के लिए या कंडीशन के लिए। फिर हम ये इसमें भी हमने अप्लाई कर दिया कि अगर हमारे मैथ में भी 33 से कम आता है, तो हमने कंडीशन दे दी सारे सारे सब्जेक्ट के लिए, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कॉमा कॉमा कर दिए हमने। कह रहे हैं अगर आपके ये फुलफिल करता है तो आप क्या करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन सब में से, इन सब में किसी में भी आपका 33 से कम आता है तो आप फेल हैं। अगर आपके सब में 33 से ज़्यादा आता है तो आप पास हो। तो फेल है, मैंने फेल लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अदरवाइज वो पास होगा, और मैंने एंटर कर दिया। ये फिर से कह रहा है ब्रैकेट बंद करो, तो मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद, और ये देखो सेम टू सेम आ गया रिजल्ट। या तो आप इफ एंड करके रिजल्ट निकालो या इफ और करके रिजल्ट निकालो, रिजल्ट सेम आता है। बस आपको देखना होगा कि आपने कंडीशन कैसा लगाया है, कंडीशन पे आप ध्यान रखना, बाकी इफ और एंड से रिजल्ट सेम ही आएगा। अब हम इफ और इफ की मदद से ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए फिर से हम इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन देते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन 90 होता है तो हमारा आना चाहिए ए प्लस। फिर दूसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर से हमें इफ लेना पड़ेगा, इफ लेके ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर ये हमारा 80 से ऊपर आता है तो हमने ग्रेड दिया ए, पहले हमने इफ प्लस दिया उसके बाद ए, हम फिर से इफ लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर ली, फिर से हमने सेल सेलेक्ट करा। अगर इस बार ये 70 से ज़्यादा होता है तो हम बोलेंगे कि ये बी प्लस आया।
उसके बाद हम फिर से लेंगे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम सेल सिलेक्ट करेंगे। इस बार अगर ये 60 से ज़्यादा होता है तो हम बोलेंगे कि हमारे ग्रेड आए हैं बी। फिर से हम ऐसे इफ ले लेंगे, फिर हम सेल सिलेक्ट ओपन करके फिर से हम सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा ये 50 से ज़्यादा आता है तो बोलेंगे कि सी आया है हमारा ग्रेड, सी प्लस ले देते हैं। फिर एक और कंडीशन लेने के लिए हम फिर से इफ लेंगे, ब्रैकेट ओपन करके हम फिर से सेल सेलेक्ट कर लिए। अगर ये 40 से ज़्यादा है तो हमने कहा कि ग्रेड होगा सी। फिर एक और हम कंडीशन लेंगे, उसके लिए फिर से हमें इफ लेना पड़ेगा। फिर से हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, फिर से हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे और हम कहते हैं कि अगर ये इस बार 33 से ज़्यादा है या 33 के इक्वल है, 33 से ज़्यादा है या इसके इक्वल है, तो हमने कहा कि हमारा ग्रेड होगा डी। एल्स वो फेल होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फेल होगा। हम ब्रैकेट या तो खुद से क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो ये खुद ही क्लोज कर देगा। एक्सेप्ट एंटर करेंगे, कह रहे कि ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं हम, एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे, तो हमने कर दिया। और ये देखो एक ग्रेड आ गया, ऐसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ग्रेड आ जाएगा सारा। आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, बस ये रिपीट हो रहा है। एक ही फंक्शन लगाना है, उसी को रिपीट करना है बार बार और कुछ नहीं करना। तो इसलिए इसको समझो, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप समझ जाओगे तो ये आराम से याद हो जाएगा आपको। अब हम डिवीज़न निकालेंगे, डिवीज़न निकालने के लिए भी सेम हम इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा ये परसेंटेज 80 से ऊपर आता है तो हम बोलेंगे कि उसका फर्स्ट डिवीज़न आया है। और अगर दूसरी कंडीशन देने के लिए हम फिर से इफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके फिर से हम कंडीशन देंगे कि अगर ये 60 से ऊपर आता है तो हम बोलते हैं कि वो सेकंड डिवीज़न लाए। सेकंड डिवीज़न हम इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे। फिर से अगर बात करते कि वो लाए 33% से ज़्यादा या इक्वल टू 33%, तो हम बोलेंगे कि वो थर्ड डिवीज़न लाया है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 33%, तो उसका डिवीज़न होगा थर्ड। नहीं तो वो है फेल। और एंटर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, और इसका है 84%, तो ये फर्स्ट आया है। ऐसे जो फेल है वो फेल है, और अपने परसेंटेज के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका डिवीज़न भी आ गया। अब हम रिजल्ट निकालेंगे एक और, जिसमें हम दिखाएंगे कि पास से फेल है या कंपार्टमेंट आई है उसकी। तो रिजल्ट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से रिजल्ट रख लिया है इक्वल टू। अगर हमें रिजल्ट निकालना है जिसमें हमें बताना है कि कंपार्टमेंट आया है या नहीं आया है, उसके लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम काउंट इफ करेंगे, काउंट
8th, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम रेंज लेंगे जिसको भी वो काउंट करेगा, अगर वो ग्रेटर देन होता है 33% से, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, और इसके उसके बाद हम उसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर सारे सब्जेक्ट में, मतलब ये चारों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 होता है तो काउंट करके ये लाए कि चारों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 है, अगर 4 आता है काउंट करने के बाद कि चारों में है तो वो होगा पास। नहीं तो फिर से हम इफ लेंगे, काउंट इफ, पहले इफ लेंगे उसके बाद काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर काउंट इफ लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। जब मुझे सेम टू सेम लेना है तो मैं करूँगा क्या, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको कॉपी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बार बार। मैंने कॉपी कर लिया है और मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V, तो ये आ गया सेम टू सेम। बस मुझे यहाँ पे मैनेज चेंजेस करना है, यहाँ पे मुझे 3 लिख देना है। अगर काउंट करके 3 सब्जेक्ट आता है जिसमें 33 से ज़्यादा है तो मैं बोलता हूँ कि उसमें कंपार्टमेंट आएगा, कंपार्टमेंट दोबारा हम सेम करेंगे। अगर तीन सब्जेक्ट था, अब 2 सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा आता है तो मैं बोलूँगा कि फेल है। एल्स अगर 2 से भी कम हो, उसके अलावा भी कोई अलग कंडीशन है जो फुलफिल नहीं कर पाया है वो, तो हम कहेंगे कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम या ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, या ट्राई अगेन या ट्राई नेक्स्ट टाइम। और आप लोग अच्छे बच्चे हो तो ये सब शब्द का यूज़ करना, मैं लिखने जा रहा हूँ तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेगा। अब ये देखो ये पास लिखा आ गया क्योंकि ये सब में इसका सारे चारों सब्जेक्ट में इसके 33 से ज़्यादा है, इसमें 33 से कम है एक में, तो हम देखते हैं इसके पास क्या लिखा आता है इसमें। यहाँ पे देखो यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा है, यहाँ पे पास लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। इस वाले में पास लिखा हुआ है, रेहान पास है, रोहित को कंपार्टमेंट मिला, रोनित भी पास है, और ये इसका किसी भी सब्जेक्ट में, इसका सिर्फ एक सब्जेक्ट में 52 है जो 33 से ज़्यादा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में 33 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुमसे ना हो पाएगा। बाकी इन सब में पास लिखा रहा है क्योंकि इन सब में सारे सब्जेक्ट में इसके 33 से ज़्यादा है, तो हम इस तरह से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको रिजल्ट निकालने के 4 तरीके बता दिए, एक ये, एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे। फिर मैंने आपको ग्रेड निकालना भी सिखाया, फिर मैंने आपको डिवीज़न निकालना भी सिखाया, और अब इसको हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देने के लिए मैं Ctrl++ करूँगा यहाँ पर, फिर मैं सेल में टाइप करता हूँ मार्क शीट 12th क्लास का 12th क्लास,
और मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करने के लिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक के बीच मुझे सेंटर में चाहिए, और मैं यहाँ पे जाऊँगा मर्ज एंड सेंटर। थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ, साइज़ इंक्रीज कर दिया। मैं यहाँ पे इसको टॉप को मैं अलग कलर दे देता हूँ, मैंने येलो दे दिया। नेम को थोड़ा सा मैं अलग कलर दे देता हूँ, येलो नहीं रखेंगे हम, कुछ ऐसा रख लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है ऐसे। तो हमने देख लिया आज कि रिजल्ट कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे निकालते हैं, इफ इफ एंड इफ और इफ इफ का। और आज हमने एक और चीज़ देखा है कि इफ उसके साथ काउंट इफ का भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के बाद मैं अब टेस्ट के तौर पे एक एक्सरसाइजेस दिया करूँगा, या तो आप उसको टेस्ट समझ लो या एक्सरसाइज समझ लो, जिसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा, उसमें टेस्ट दिया करूँगा। आप पहले उसको ट्राई करने की खुद से कोशिश करना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। पॉज करके आपको पहले ट्राई करना है, आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आप सॉल्यूशन उसी सेम वीडियो में देख सकते हो। कि यह वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।